देश में एक बार फिर नोटबंदी के दिन लौट आए हैं। देश के कई राज्यों में नकदी का संकट पैदा हो गया है। बिहार के कई जिलों में एटीएम खाली हो गए हैं। ऐसा ही हाल कटिहार के सभी एटीएम का है। यहां पैसे ना मिलने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक के मैनेजर भी कहीं ना कहीं बैंक में कैश की किल्लत को मान रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में थोड़ा गैप है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा किल्लत है। आज भी हम लोगों का वैन गया है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट बैंक की ब्रांचेज है, सब जगह हम लोगों ने कैश भिजवाने का काम किया है। जिस शाखा से एटीएम अटैच है, एटीएम के लिए स्पेशल जो है कैश गया है, और शाखा के सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम लोग कैश दिए हैं। हाँ, हमें बार बार आरबीआई से लाना पड़ता है, चूँकि डिमांड हमारे डिमांड के हिसाब से उनकी सप्लाई नहीं हो रही है। आज आप हमारी शाखा में भी देख रहे हैं कि हर एक काउंटर पर पेमेंट हो रहा है। बाहर लगे एटीएम में भी कैश अभी तत्काल खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे ऑफिशियल कैश लोड करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत देर से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक अंदर से कोई भी स्टाफ आ गए अभी तक नहीं बताया गया पैसा डलेगा या नहीं डलेगा। और जगह की एटीएम की क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है, सब जगह से घूम फिर के फिर से यहाँ पे आके लाइन में लगेगा। कहीं एटीएम में पैसा नहीं है? कहीं भी एटीएम में पैसा नहीं है और बहुत परेशान है। जगह जगह पे जा रहे हैं, हर एटीएम पे घूम लिए, कहीं भी पैसा नहीं है। रोहतास में भी एटीएम में कैश न होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को कई घंटों तक एटीएम की लाइन में खड़े होने के बावजूद पैसा हाथ में नहीं आ रहा है और मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश रंजन और रोहतास से राकेश रंजन की रिपोर्ट।